अनएक्सपेक्टेड नंबर्स जो हैं देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने हैं उसके साथ नए सिस्टर्स ब्रदर फॉर्म करने के लिए अटैचमेंट की गई। और ये सब चीजें अगर ध्यान में रखें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्टअप को मजबूती करने के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए जो ध्यान में रखा गया है कि स्मॉल स्केल को बढ़ावा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक जॉब अपॉर्चुनिटीज निर्माण होंगी। और स्टार्टअप जो आज बहुत ज्यादा, ये सिर्फ स्टार्टअप और ऑनलाइन फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हम जाके अपनी फार्मिंग के बारे में पूरी ध्यान में निकाल सकते हैं वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जी कर सकते हैं, क्योंकि आज डिजिटल के माध्यम से आज हमारी खरीदी ऑनलाइन, अगर हमने देखा उसके टैक्सेस मेजॉरिटी हम ऑनलाइन खरीदी पे या डिबेट कार्ड्स और स्कैनर करके देते हैं। तो ये सब सोच रखने वाले सिर्फ मोदी जी हो सकते हैं। तो नई चीजों को आगे लाना, विजन रख के देश को रिप्रेजेंट करना, शायद वो मोदी जी की मंत्रिमंडली करेंगे। आज हमारे देश में महिलाएं बराबरी की इंडिपेंडेंट है, काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए जो बजट सेविंग सर्टिफिकेट है सभी महिलाओं को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसके जो नए नए चीजें होंगे जब क्लियर हमारे हाथ में आएंगे तो मैं क्लियर उसके बारे में बताऊंगी। विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखूंगी, मात्र आज की प्रोनाउंसमेंट से मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा, महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूं कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। मैं विशेष अभिनंदन वित्त मंत्री जी का देती हूं कि महिला के सम्मान में उन्होंने सेविंग्स के एक नए प्रकल्प को आज राष्ट्र के सम्मुख उजागर किया। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है उसका प्रतिबिंब आज के बजट में था। मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है, और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है, ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई, अमृतकाल महोत्सव की बात की है उस पर आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे कैसे करेंगे। आपने ये भी नहीं देखा है कि हमारे बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं बेल के लिए या बेल के कीमत नहीं चुकाने के लिए या जेल में इतने साल तक सही या गलत तरीके से पड़े हुए हैं, उनसे भी बहुत लोगों ने सोचा था समझा था कि अमृतकाल में बहुत लोगों को इस बार 75 साल हो गए आज़ादी के, बहुतों को आज़ादी दी जाएगी, बहुतों को छोड़ा जाएगा, बहुत सारे लोगों के फाइल तो भी पड़े हैं जिसमें हमारे सिद्धू भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, इनके फाइलें अभी तक ठंडे बस्ते में डाली हुई हैं, उनको कब का, हम लोगों ने आपके थ्रू खबरें सुनी कि उनको बाहर आना था, उनको बाहर आने का कोई रास्ता अभी तक साफ प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैंने कहा कि जब तक इसको और इसका गहन अध्ययन ना हो, ये चूंकि इलेक्शन है, एक साल के अंदर में इलेक्शन है, एक साल के आसपास है, उसका विशेष ख्याल रखते हुए किया गया है। लेकिन हाँ, कॉमन मैन के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, डीजल पेट्रोल के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत चर्चा करके टचिंग करके छोड़ दिया गया है, यानी मैं समझता हूँ बहुत 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 कुछ होना बाकी।